नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दमोह सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने कोरोना मरीजों को मिलने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में डॉक्टरों से जानकारी ली। जब उन्होंने निरीक्षण किया तब वहां पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की लूट मार मचाने वाली जो घटना हुई है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लोगों को धैर्य रखना चाहिए क्योंकि डॉक्टर 24 घंटे मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उनकी सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे में वहीं से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक आदमी अपने मंत्री से अपनी माँ के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की गुहार लगा रहा है और मंत्री जी ने बोल दिया कि बकवास करोगे तो दो थप्पड़ पड़ेंगे। कहाँ मिलना है कोई नहीं बताता, ऐसा बोलेगा तो दो खाएगा। हम खाएंगे भी, हमारी माता राम तो व्यक्ति खाने को पड़ी है। बताओ क्या करना, तो ठीक रखो। नहीं, कोई मना कर रहा है तुमको? मना किया है सर, 5 मिनट चला सर, 5 मिनट चला सर सिलेंडर। बोलो 5 मिनट सिलेंडर चला, या तो मना कर दो। बता दें कि बीते दिन दमोह में चुनाव का माहौल था, तब सरकार हर उस व्यक्ति का इलाज करा रही थी जिन्हें कोरोना था। उस समय उनके लिए भरपूर दवा और ऑक्सीजन उपलब्ध थी और आज जब चुनाव हो गए हैं तो सरकार ने दमोह में लॉकडाउन लगाकर उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया है कि खुद ही करिए ऑक्सीजन की व्यवस्था और खुद ही बचा लीजिए अपने मरीजों को। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने भी ट्वीट किया है और सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट में लिखा कि दमोह में मतदान के पहले हर संक्रमित को प्रदेश के मंत्री कारों से भोपाल और जबलपुर अस्पतालों में भर्ती करवा रहे थे। अब जिला अस्पताल में अपनी मां को बचाने के लिए ऑक्सीजन की गुहार करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता को दो चाटे देने की बात कर रहे हैं। फिलहाल संकट की इस घड़ी में लोग अपनी और अपनों की हिफाजत को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं, इसलिए मंत्री जी को लोगों पर गुस्सा दिखाने के बजाय उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो कोरोना से ऐसे कैसे जंग जीती जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ MP और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।